दोस्तों क्या आपको पता है इस एंटरप्रेन्योर ने मंदिर के फूलों से अगरबत्ती बना के 200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऑब्जर्व किया कि मंदिर में चढ़ाए गए फ्लावर्स को गार्बेज में नहीं फेंका जा सकता, इसलिए 1000 टन से भी ज्यादा फ्लावर्स को हर दिन गंगा जल में बहा दिया जाता है। रिसर्च में पता चला है कि इसमें से ज्यादातर फ्लावर्स में पेस्टिसाइड्स होता है जो गंगा जी के पानी में मिल के उसे पॉल्यूट कर देते हैं। अंकित अग्रवाल ने अपनी विल पेइंग जॉब क्विट कर दे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठान ली और ऐसी शुरुआत हो गई। कंपनी के फूल के एम्प्लॉयज कानपुर के मंदिर से फ्लावर्स को पिकअप करते हैं। इन फ्लावर्स को फूल के फैसिलिटी में क्लीन किया जाता है और इनके पेटल्स निकाल लिया जाता है। इन पेटल्स को सुखाया जाता है और ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फाइनली इस पाउडर में एसेंशियल ऑयल्स मिलाने के बाद इन्हें रोल करके अगरबत्ती बना दिया जाता है और ऑनलाइन सेल किया जाता है। अल्टीमेटली भगवान को चढ़ाया गया फ्लावर्स वापस अगरबत्ती के रूप में उनकी पूजा के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का एनालाइज करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली स्ट्रेटेजी मिस ना करो।